अपडेट डॉपिन ट्रेवल्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी लगातार क्षेत्र में लोगों से ठगी का काम कर रही है, जिसमें कि एक धर्मेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति है जो कि मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है। इसके द्वारा बनाई गई डीटीएम नाम की फर्जी कंपनी चला रहा है। उप जिलाधिकारी ने कंपनी के दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए और बड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। धर्मेंद्र के द्वारा बनाई गई विशेष टीम के आगे गाँव जाकर लोगों के साथ इसी तरह क्षेत्र में लगातार अशिक्षित को अपना शिकार बना रहे और फिर लगातार क्षेत्र में बड़े बड़े सेमिनार और मीटिंग करके अपने द्वारा बनाई गई विशेष टीम के लोगों को 1,00,000 तक के झूठे चेक देता है और धर्मेंद्र का साथ देने विकास नगर क्षेत्र के अमित कुमार और चंदा और रेखा और गुलाब सिंह और बलवंत हैं, जो कि बेरोजगार पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर फंसाते हैं और भोली भाली जनता को इसी तरह चेक दिखाकर अपने जाल में फंसाने का काम कर रही है। और धर्मेंद्र और इसकी पूरी टीम पछवा दून अपनी मजबूत पकड़ बना गाँव के लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। वहीं विकास नगर क्षेत्र के कुछ पढ़े लिखे बेरोजगार लड़कों और लड़कियों को पैसों के माया जाल में फंसाकर उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड वर्क कराता है। ग्रामीण वासियों को डीटीएम नाम की कंपनी बताकर पैसे लूटने का काम कर रहा है। इस कंपनी की एक किस्त 6,000 होती है, मगर यह धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति कहता है कि आप इसे 6,000 जमा ना करके 11 एंटी और 66,000 जमा करके तुम्हारे खाते में 1,50,000 का चेक आ जाएगा और जैसे ही तुम अगले व्यक्ति से मिलवाओगे वह व्यक्ति तुम्हारे नीचे जुड़ जाएगा। फिर इसी तरह कंपनी में काम करते जाओ और चेक पर चेक बनवाते चले जाओ, यही कंपनी का बिजनेस है। इसी तरह यह धर्मेंद्र एक दूसरे को चेन बनाता जा रहा मार्केटिंग के नाम पर लूटपाट मचा रखी है। इसने अपने द्वारा बनाई गई एक विशेष टीम को यह विकास नगर के होटल में पार्टी देता है और उन सब का महीने का कमीशन देकर और पैसा इकट्ठा कर वापस हरियाणा चला जाता है, फिर अगली मीटिंग की योजना बनाते हैं। इसी तरह लोगों को ठगी का शिकार बनाते जा रहे हैं। हमारे साथ इस तरह ठगी गई है कि हमें मतलब बड़े होने के सपने दिखाए गए शुरू में, मतलब हमें बोला गया कि 7100 रुपए इस बिजनेस में लगाने हैं, इस बिजनेस में लगाने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, इसमें नंबर जोड़ने पड़ेंगे आपको, इसमें 2 लोगों को जोड़ के उनके 14,000 उनको दिला के तब हमारे 1,000 का चेक आएगा। 1,000 चेक आने के बाद फिर उसमें बोलते हैं कि इसमें चंडीगढ़ भी जाना पड़ेगा। चंडीगढ़ जाने के बाद उसमें हमारे से 3,000 रुपये ओढ़ लिए वहाँ पे, और फिर उसके बाद हमें वहाँ प्लान दिया गया कि अपने घर से एक आदमी की 11 एंट्री करनी पड़ेगी। 11 एंट्री मतलब 58,000 रुपये ओढ़ लिए उन्होंने हमारे से। 58,000 लेने के बाद फिर भी वो लोग बोलते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, और फिर हमारे पैसे देने, अब हम अपने पैसे मांगते हैं, बोलते हैं कि हमने नहीं लिए तुम्हारे पैसे, जो करना है कर लो। और टोटल हमारे पैसे उन्होंने मेरे घर से खाली 80,000 रुपये ले चुके हैं वो हमारे घर से। आपसे पैसा की डिमांड किसने की थी और क्या बताया था आपको और क्या समझाया गया था आपको? मेरे से प्रीति नाम की लड़की है और एक धर्मेंद्र नाम के सरन हरियाणा से हैं, वो उन दोनों ने हमें हमारे से पैसे लिए। किस तरह के कितने पैसे लिए आपसे? आप सभी से हमारे घर से तो 80,000 लिए हैं और ये लड़की इसके 70,000, मतलब टोटल हमारे घर से मतलब बहुत लोगों को ठग लिया उन्होंने। अब अगर आप पैसे की डिमांड वापसी की डिमांड करते हैं तो क्या कहते हैं आप लोगों को? मतलब वो लोग बोलते हैं कि हम नहीं देंगे, कर लो जो करना है, कि हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है तुम्हारे पैसे। तो अब आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इसमें? हम आगे कार्रवाई चाहते हैं कि हम SDM साहब के पास आए हैं इसीलिए अपने वो ले गए कि ताकि हमारा पैसा वापस मिल सके और हमारे मतलब जितने ये गरीब लोग हैं इनके सबके साथ न्याय हो सके। क्या नाम है आपकी कंपनी का? हमारी कंपनी नाम है ड्रॉप इन ट्रेवल मार्केटिंग, DTM बोलते हैं उसको शॉर्ट में। 1 साल हो गया हमें इस बिजनेस में लगे हुए और अभी तक एक मतलब कुछ नहीं आया हमारे से, खाली लिया ही लिया उन लोगों ने। अब वापसी के लिए क्या कहते हैं वो लोग अगर पैसा आप मांगते हो तो? वापसी के लिए मतलब हम फ़ोन करते तो फ़ोन नहीं उठाते हैं पहले तो, और फिर फ़ोन उठाते भी तो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें फ़ोन मत करो, हम अभी काम कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि घर आ जाओ, घर भी नहीं आते कि टाइम नहीं है, और फिर हम बोलते हैं कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं कि आ जाओ, जो करना है कर लो, हम नहीं दे सकते पैसे। क्या नाम है उन सभी सदस्यों का जो आपसे शिकार बनाया? इसने हमारे से पैसे लिए प्रीति, बलवंत, प्रीति राठौर है यहीं पर फतेहपुर की रहने वाली है, हरबरपुर, और बलवंत है उनके पापा ही हैं वो, और एक धर्मेंद्र नाम के सर वो हरियाणा से हैं, एक चंदा मैम है, रेखा है और अमित है, मतलब इन सारों की ये है टीम जो मतलब लोगों को ठग रही है, झूठे सपने दिखा। अभी शिकायत प्राप्त हुई है, गांव की महिलाएं मेरे समक्ष जो अभी एक प्रार्थना पत्र लेकर उपस्थित हुई थी, जिनमें इनका कथन था कि ये डॉल्फिन कंपनी मार्केटिंग कंपनी के द्वारा इनके साथ विभिन्न मदों में विभिन्न प्रकार से पैसे लिए गए। निश्चित तौर से इस बात की जाँच
की जाएगी, पहले भी शिकायत प्राप्त हुई थी, इसमें सब कंसर्निंग को लिखा जा रहा है कि कंपनी किस बात के लिए रजिस्टर है, क्या काम कर सकती है और नियोजकों ने किस प्रकार के पैसे लगाए हैं, और निश्चित तौर से इसको बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। पहले भी अनुमति न होने पर कार्यक्रम इनके रुकवाए गए थे और कोई भी अनुमति नहीं दी जा रही क्षेत्र, लेकिन पूर्व में संज्ञान आने से पहले जो गतिविधि इनके द्वारा संचालित की गई है वो किस प्रकार के नियमों के तहत संचालित की गई है और उसके क्या इनके पास कंपनी संचालन के कागजात हैं वो जाँच के करके निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी इस प्रकार की खामियां पाई जाती है। कुछ लोगों के जेवर और भूमि रखने का भी देखिए इस समय अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ महिलाओं का कहना है कि साहब हमने जमीन के कागजात गिरवी रखे हैं, निश्चित तौर से गंभीर विषय है, उनसे भी पृथक से कहा गया कि आप इस प्रकार की जो बात है उसको स्पष्ट तौर से बताइए कि आपके द्वारा क्या दिया गया है, और ये गंभीर विषय ऐसे होने पर निश्चित तौर से कानूनी कार्रवाई गंभीर प्रकरण की इसमें की जाएगी अगर इस तरीके की गतिविधि में कंपनी संलिप्त मिलती है।